कनेक्ट करिए, मंत्री जी को कनेक्ट करिए। नमस्कार, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान वर्ष 2015-16 का आयोजन आज किया जा रहा है। ये सामान्यतः आयोजन भोपाल में किया जाता है, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है कोरोना महामारी के कारण, इसलिए ये आयोजन वाराणसी में ऑनलाइन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। संचनालय पुरातत्व अभिलेखार एवं संग्रहालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से मैं माननीय मंत्री जी संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन मैडम उषा ठाकुर जी का स्वागत करती हूँ। आदरणीय प्रमुख सचिव किसी जरूरी काम आ गया, इसलिए अभी हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, शायद बाद में ज्वाइन कर पाए। मैं प्रोफेसर विदुला जायसवाल एवं सभी और गणमान्य व्यक्तियों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर रमेश यादव से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मंत्री जी की ओर से प्रोफेसर विदुला जायसवाल का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। यादव जी। हाँ जी मैडम, जी आप स्वागत करिए मैडम का। मैडम हम लोग दिखाई दे रहे हैं? हाँ दिखाई दे रहे हैं, आप मैडम का स्वागत करिए। वाराणसी से शायद कांटेक्ट टूट गया है। यादव जी। जी मैडम, मैडम वो कुछ गड़बड़ हो गई उसमें नेटवर्क। तो हम ऑडियो माननीय मंत्री जी काफी समय से इंतजार कर रही है, हम ऑडियो से जारी रखते हैं। ठीक है मैडम, जारी रखिए। ठीक है। हाँ तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप अपना उद्बोधन दें, हमें आशीर्वाद स्वरूप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। बाबा काशी विश्वनाथ की पुण्य धरा को प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय विदुला जी जायसवाल को प्रणाम करती हूं और संस्कृति विभाग की ओर से आपका आत्मिक और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। हमारे विभाग के सहयोगी भाई रमेश यादव जी आपके पास पुरस्कार लेकर पहुंचे हैं, आपका आशीर्वाद मध्य प्रदेश को मिले और पुरातात्विक क्षेत्र में नित नई ख्याति हमारा विभाग अर्जित करे, ये बाबा काशी विश्वनाथ से मैं प्रार्थना करती हूँ। डॉक्टर श्री विष्णुधर वाकणकर पुरस्कार 2015-16 आपने स्वीकार किया, हम कृतार्थ हुए। यूं तो भारतीय संस्कृति स्वयं सिद्धा है, किंतु एक लंबे समय तक विदेशी ताकतों के अधीन रहने वाले देश में आत्म परिचय, आत्मानुभूति, आत्मसम्मान का अभाव आ जाना स्वाभाविक ही है। सदियों तक जिस मानसिक दासत्व का अंतःक्षेपण जन सामान्य में किया गया, उसका प्रतिकार बनाने के लिए हमें अपनी संस्कृति की पुरातनता व इसकी महानता के साक्ष्य खोजने की आवश्यकता है, राष्ट्रीयता का अभिमान जगाने की आवश्यकता है। ये जिम्मेदारी पुरातत्वविदों ने जिस निपुणता से निभाई, उसका नवीनतम उदाहरण अयोध्या में स्थित श्री रामलला का मंदिर है, जहां कुछ लोगों ने रामलला को उनकी जन्मस्थली को कानून के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया था, वहीं हमारे पुरातत्वविदों ने प्रमाणों के माध्यम से उनकी पुनर्स्थापना में योग दिया। संपूर्ण देश
उनका सदैव आभारी रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना के 100 वर्ष से अधिक हो चुके, किंतु आज भी ये धरा अपने गर्भ में बहुत कुछ धारण किए है। तमिलनाडु के किजाड़ी, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत, गुजरात के बड़नगर जैसे अनेक स्थान हैं, जहां समय या अतिताइयों द्वारा दूषित किए जा चुके हमारे गौरव व अभिमान के साक्ष्य आज तक प्राप्त हो रहे हैं। पुरातत्वविद उन्हें धरा के गर्भ से निकालकर देश को सौंप रहे हैं। ये स्पष्ट है कि अभी पुरातत्वविदों को एक लंबी कठिन यात्रा करनी है। विश्व गुरु भारत की भूमि की पुरातात्विक संभावनाएं अपार हैं। न सिर्फ देश बल्कि पूरा विश्व उन्हें आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। हमारी ओर से ससम्मान शुभकामनाएं, आभार, नमस्कार। धन्यवाद मैडम। मैं अब डॉक्टर रमेश यादव से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मंत्री महोदय की ओर से प्रोफेसर विदुला जायसवाल को डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान वर्ष 2015-16 प्रदान करें। यादव जी। जी मैडम जी। हाँ, कनेक्टिविटी ठीक। वाराणसी डॉक्टर यादव। यादव जी यादव जी यादव जी प्रोफेसर विदुला जायसवाल को मध्य प्रदेश शासन की ओर से सम्मान दिया जा रहा है। वाराणसी में थोड़ी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद मैडम, मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है। हाँ मैडम, आवाज आ रही है। इसी को आगे कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए मैं आपको इस राष्ट्रीय सम्मान के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर का जन्म 4 मई 2000। यादव जी आपको आवाज आ रही है क्या हमारी? मैं सम्मान के बारे में बाद में जानकारी देती हूँ, पहले आप प्रोफेसर विदुला जायसवाल के बारे में बताएं। प्रोफेसर विदुला जायसवाल के बारे में आप बताएंगे? यादव जी। मैडम आवाज याद रही है आपकी? मैडम सवाल को मैडम ये जायसवाल मैडम को बोलने के लिए बोल रही ना? नहीं नहीं, मैं आपके बारे में, इनके कार्य के बारे में बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, आप संक्षेप में इनके कार्य के बारे में बता दें। जी जी ठीक है। धन्यवाद मैडम। आज हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रोफेसर विदुला जायसवाल मैडम को सम्मानित किया जा रहा है, ये बड़ा हर्ष का विषय है। और प्रोफेसर विदुला जायसवाल के जो उत्कृष्ट कार्य थे पुरातत्व और इतिहास के क्षेत्र में, जिनको रेखांकित करते हुए मध्य प्रदेश शासन ने प्रोफेसर विदुला जायसवाल को वर्ष 2015-16 के पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रोफेसर विदुला जायसवाल का जन्म 21 मई 1947 को वाराणसी के कबीर चौरा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सहदेव सिंह जायसवाल प्रसिद्ध पुरातत्वविद एवं इतिहासकार डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के द्वितीय पुत्र थे। वाराणसी में ही प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात विदुला जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से वर्ष 1968 में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। आपको
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग से 1973 में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। आपके शोध का विषय ये स्टडी ऑफ प्रिपेयर्ड फोर टेक्निक इन पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया था। आपने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में उप अधीक्षक पुरातत्व के पद पर वर्ष 1977 से वर्ष 1979 तक सेवा की। उसके पश्चात आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हुई और उसके पश्चात आपने वर्ष 2012 तक सतत अध्यापन कार्य किया और आप यहाँ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए। उसके पश्चात मैडम आप ज्ञान प्रभा वाराणसी में डॉक्टर आशीष शर्मा पीठ पर अवस्थित हैं। प्रोफेसर मिथुला जायसवाल कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ी रही हैं। आप वर्ष 1998 से 2003 तक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजी गावा की सदस्य रहीं। इसके अतिरिक्त आप एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कार्यकारी समिति के सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान की कई चयन और परीक्षाओं के समिति की सदस्य रही हैं। आपके निर्देशन में उत्तर प्रदेश एवं बिहार में कई स्थानों पर उत्खनन कार्य हुआ है। आपने विदेशों में भी अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं। वर्ष 2009 में सोफिया बुल्गारिया, वर्ष 2006 में लिस्बन पुर्तगाल, वर्ष 2003 में ढाका बांग्लादेश एवं वर्ष 1990 में आप नॉर्थ ईस्ट USSR, वर्ष 1986 टोरंटो कनाडा, वर्ष 1986 में ई इंग्लैंड और USA में भी आपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। आपके मार्गदर्शन में 1988 से 2013 के बीच में 11 शोधकर्ताओं ने PhD की उपाधि प्राप्त की है। आपने 25 शोध परियोजनाओं को पूर्ण किया है और आपके 80 शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। अभी तक आपने 21 पुस्तकों की रचना की है और आपके उत्कृष्ट योगदान को दृष्टि करते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा आज प्रोफेसर जायसवाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। मैं उनको बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रोफेसर जायसवाल से अनुरोध है कि कृपया हमें संबोधित करें। मैं इस सम्मान के लिए बहुत गर्वान्वित कर रही हूँ और मध्य प्रदेश सरकार की मैं आभारी हूँ कि आप शंकर पंत पुरस्कार के साथ पुरातत्व को एक विशिष्ट विषय के रूप में उसको पहचान दी है, उसको आपने सपोर्ट करने का प्रयास किया है। जहाँ तक डॉक्टर वाकांकर का प्रश्न है, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ी थी। जब वो भीम बेटका का उत्खनन कर रहे थे तो मुझे इसका अवसर मिला कि मैं उनके साथ 2-3 दिन मैंने उनका बिताया। वो पूरा स्थल मैंने उनके साथ उसका निरीक्षण किया और तब मैंने उनकी जो सरल स्वभाव था, जो उनका स्नेहमयी व्यक्तित्व था, उससे हमारे परिचय हुआ। उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी जो हम सबको याद है कि पुरातत्व में हम पहले ये देखते हैं कि हमें क्या सुविधा है बाहर जाके कार्य करने की, लेकिन वाकांकर साहब की ये विशेषता थी कि वो पुरातत्व से इतना लगाव था, इतनी निष्ठा थी इस विषय से उनको कि वो बिना किसी सुविधा के निकल जाते थे खोज करने के लिए। और उसी तरीके से उनके लिए प्रख्यात है कि कैसे उन्होंने भीमबेटका की खोज की थी जब उन्होंने ट्रेन से ये उस पहाड़ी को देखा था दूर से। तो वाकांकर साहब से ये बहुत बड़ी सीख हम लोग को अभी भी मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि अवसर खुद बनाए जाते हैं और सुविधाओं के आड़ में काम नहीं कर पाते हैं अगर हम लोग, तो ये हमारी अपनी विवशता होती है। एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार की ये पहल बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि वाकांकर साहब के माध्यम से उनकी जो उद्देश्य रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से कार्य निष्ठा दिखाई है, उसका हमें आप बोध कराते हैं। और जो भी काम हम लोग करते हैं अगर उसको कोई सराहता है, उसकी प्रशंसा होती है, तो निश्चित ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आपने इसका हमारा चयन इसके लिए किया है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू।
धन्यवाद मैडम। मैं माननीय मंत्री जी की आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और वाराणसी में भी इसका ऑनलाइन आयोजन की अनुमति प्रदान करी। आपके मार्गदर्शन में हम और भी अनेक कार्य करेंगे। मैं प्रमुख सचिव श्री शिव शेखर शुक्ला साहब की भी आभारी हूँ। उनके मार्गदर्शन में ही ये आयोजन किया जाता रहा और वे हमेशा हमें मोटिवेट करते रहे हैं। मैं प्रोफेसर विदुला जायसवाल की आभारी हूँ। आपके द्वारा किए गए शोध कार्य और आपके द्वारा अभी जो मार्गदर्शन दिया गया कि किस तरीके हमें सुविधाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें अपने शोध कार्य को करते रहना चाहिए, इससे हमें हमेशा सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं डॉक्टर रमेश यादव की आभारी हूँ जो कल लखनऊ गए और आज वाराणसी पहुंचे हैं इस सम्मान को देने के लिए माननीय मंत्री जी की तरफ से। मैं विभाग के अधिकारियों की आभारी हूँ और मैं निक के अधिकारियों की भी आभारी हूँ जिन्होंने ये ऑनलाइन आयोजन संभव कराया। मैं आप सबकी आभारी हूँ। पुनः आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।